हाय दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त योगेंद्र पवार। आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके विद योगेंद्र पवार में। और फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज के लेटेस्ट और दोस्तों गुड न्यूज में बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फ्रेंड्स बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों आप या सामने देख रहे होंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन और RPSC की जो ऑफिशियल साइट है rpsc.rajasthan.gov.in, यहाँ पे मैं आपको एक RPSC ने ऑफिशियल पेस नोट जारी किया। दोस्तों पेस नोट है वो हेडमास्टर भर्ती को लेकर है। तो नेट वैसे मेरा फर्स्ट ही है तो यहाँ पे आप सामने देख 18 तारीख का एक पेस नोट है, 18 जुलाई 2019 प्रेस नोट रिगार्डिंग ऑनलाइन ऑब्जेक्शन फॉर आंसर के इसके लिए है। और एक यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये करिगेंडम नंबर 3/2019-20 रिगार्डिंग पोस्ट ब्यूरोफिकेशन फॉर हेडमास्टर सेकेंडरी एजुकेशन। और जो पोस्ट ब्यूरोफिकेशन मतलब जो नए पदों का वर्गीकरण वो RPSC कह रहे थे कि जारी हो जाएगा, तो आप यहाँ पे सामने देख रहे होंगे RPSC ने उसी को लेकर एक प्रेस नोट जारी किया। सभी प्रेस नोट जारी हुए यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग वैकेंसी उसी को लेकर, जैसे एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर स्क्रीनिंग इसको लेकर भी एक ऑब्जेक्शन है को लेकर, लेकिन हमारे देखना है हेडमास्टर का। तो यहाँ पे हेडमास्टर का यहाँ पे सामने आप देख रहे होंगे, इसको मैं ओपन करता हूँ तो या आप सामने देख सकते हो। एक तो ये राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर प्रेस नोट 18 जुलाई 2019, इसमें तो दिया हुआ है 48 अधिसंख्यक पद है वो इसमें सम्मिलित किया गए MBC, मतलब MBC में जो अतिरिक्त पद है 5% आरक्षण हुआ है तो उसमें 48 पदों की बढ़ोतरी हुई है। दोस्तों पूरा पदों का वर्गीकरण इसमें यहाँ पे देख सकते हो, ये आपके सामने है राजस्थान लोक सेवा आयोग आज की डेट है। और यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट, वो पहले 1200 पोस्ट थी और 1200 प्लस 48 हो गई, मतलब पहले 1% आरक्षण था MBC को, अब 5% आरक्षण देने के बाद में जो अतिरिक्त पदों की बढ़ोतरी है वो MBC में 48 पद और जुड़ गए। UR जनरल SC ST OBC और MBC, तो यहाँ पे आप सामने देख रहे होंगे MBC में वो 42 सामान्य और सामान्य महिला में 12 और विधवा 5 और परित्यक्ता में 1 है। और दोस्तों ये आप सामने देख रहे होंगे बहुत ही गुड न्यूज़ है कि RPSC ने जो हेडमास्टर भर्ती को लेकर जो नया पदों का वर्गीकरण वो RPSC ने जारी कर दिया है। आप सामने ऊपर देख सकते हो नवीन संशोधित 48 अधिसंख्यक पद सम्मिलित करते हुए वर्गवार वर्गीकरण निम्न प्रकार अधिसूचित किया जाता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज या कल तक SI का रिजल्ट, उसके बाद में हेडमास्टर भर्ती का रिजल्ट, इसी हफ्ते में आप दोनों के रिजल्ट मान सकते हैं कि आ सकता है और अगले हफ्ते से सेकंड ग्रेड रिजल्ट भी आने स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसी कल के न्यूज़ के अनुसार बता सकता है। आज जो प्रेस नोट जारी किया, प्रेस नोट के आधार पर हम कह सकते हैं। तो दोस्तों आऊँगा एक नई वीडियो के साथ, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आऊँगा एक नई वीडियो के साथ, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।